गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। सुबह हो चुकी है, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अब जाना है बच्चों के लिए लंच तैयार करने के लिए। एक सो रहा है, एक उठ गया है, तो चलिए जब तक वो नहाएगा उसके बाद जब तक मैं उसका लंच तैयार करती हूँ, फिर पूजा की तैयारी करेंगे। तो चलिए चलते हैं लंच तैयार करने के लिए, फिर पूजा करेंगे। पूजा हो चुकी है और हस्बैंड वहाँ पे जा चुके हैं, दोनों बच्चे स्कूल। कल से तो छुट्टी पड़ जाएगी उनके, तो उनके तो मजे आ जाएंगे। तो चलिए उनके तो छुट्टी पड़नी ही पड़नी है, तो चलिए चलते हैं काम करने के लिए। काम करके फिर चाय पियेंगे, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है, तो मुझे लग रही है मैं चाय पीऊँ, तो इसलिए चलते हैं। कपड़े धोते हैं फटाफट, उसके बाद चाय पियेंगे आराम से। मेरा सारा हो चुका है और बच्चों को लाने का टाइम हो गया है, तो चले चलते हैं बच्चों को लाने के लिए, लेके आते हैं फिर। गाइस शाम हो चुकी है और आज तो स्कूल से लाके उसको मैं सो गई थी, फिर रूटी भी ट्यूशन के लिए छोड़ के आई, फिर सो गई। आज मैं पूरे दिन सोई रह गई। तो चलिए कोई नहीं, अब तो ये छुट्टी करेगा। कल पता नहीं क्यों छुट्टी करता रहता, चार दिन की छुट्टी पड़ चुकी है और फिर भी कह रहा छुट्टी करूंगा। तो चलिए कल जाना है हमें मंदिर, तो मंदिर जाने की तैयारी करनी है। और देखिए, हाँ हाँ बहुत अच्छा सजा हुआ है इस बार तो झंडे मंदिर। तो चलिए कल जाएंगे, कल हाँ कभी तो जाएंगे, कल सवेरे जाएंगे, तो कल सवेरे तो और भी जल्दी उठना पड़ेगा, सवेरे और भी जल्दी उठना पड़ेगा, नहा धो के रेडी होना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो चलिए अभी करते हैं। तू नहीं जाएगा? मत जाइयो, मैं तो जाऊंगी। तो चलिए कल के लिए तैयारी करते हैं, कपड़े निकाल के रखते हैं और शाम का काम भी करते हैं, क्योंकि आज कपड़े भी प्रेस करने हैं, खाना भी बनाना है, शाम की पूजा भी करनी है। तो चलिए करते हैं उसको भी। गाइस अभी देखो मेरे पास एक संतरे का छिलका मेरा, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ उससे गुब्बारा फूटता है कि नहीं। ये ट्राई करा है तो बताना कमेंट में, और थोड़ा बड़ा बुलाना ठीक है भैया, बहुत तेज आवाज करेगा। गाइस दिखाता हूँ आपको भी, ये देखिए ये संतरे के छिलके से ये फोड़ेगा गुब्बारा। मुझे भी नहीं पता कि संतरे के छिलके से गुब्बारा फूटता है। चलिए देख, संतरे के छिलके से गुब्बारा फोड़ेगा, कैसे फूटा? सच्ची में फूट गया, सच्ची में संतरे के छिलके से गुब्बारा फूट गया। मुझे तो पता ही था कि संतरे के छिलके से गुब्बारा फूटता है। कैसे फूटा? ऐसे। तुझे कैसे फूटा? इसने दिमाग लगाया, देखिए जरा, मुझे भी नहीं पता कि ऐसे गुब्बारा फूटता है, फूट जाता है। पानी आता है, पानी तो आता है, आंख में लगता भी है तो बहुत तेज लगता है, आंख में पर आंख साफ हो जाती है। पूजा कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आरू कैसे पूजा करता है। उसे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना, शाम के टाइम में बहुत शौक से रेडी होता है पूजा करने के लिए। तो चलिए करते हैं पूजा और मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से और कितने मन से करता है ये। और एक और एक्स्ट्रा आ गया गाइस, ये जादू है मेरा गाइस, तो भी बनाना है ना, उल्लू बनाना है, उल्लू तो बना रहा हूँ पागल है। एक दिन नहीं कर रहा, पहले करेगा हाँ हाँ, फिर मैं नहीं कर दूंगी तो कहेगा हाँ, पागल बनाता रहता है। साइकिल अब हो चुकी है और वो पूजा करके अब भाग गया है नीचे खेलने के लिए। वो नीचे खेलने के लिए तैयार रहता है कि मुझे जाना है नीचे खेलने के लिए, इसलिए मुझे कहता है मैया पूजा करो पूजा करो पूजा करो। अब पूजा कर लिया है और अब चला गया है नीचे खेलने के लिए। तो चलिए पूजा तो हो गई है और वो खेलने चला गया है, और अब करती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो चलिए चलते हैं खाना बनाने के लिए, फिर कपड़े प्रेस करेंगे। तो चलिए, नहीं है क्या है संडे को उतार देंगे, संडे को उतार देंगे ना, मैं संडे तक नहीं जा सकता। क्यों भाई क्यों, तुझे घूमने जाना है कहीं? हाँ। कहाँ? हाँ?
की गर्लफ्रेंड उसको देखने से आज ना शादी करा दी। अच्छा पहले तो तेरी होगी ना फिर अर्णव की होगी। पहले किसकी? तेरी। कि तू बड़ा नहीं है? नहीं। तो छोटा है? एक साथ बच्चा हूँ। घूमेगा। ओ हो। तो गाइस हमने खाना पीना खा लिया है और अब है सोने की तैयारी। सुबह मंदिर जाना है, पता नहीं जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। पूरी तैयारी कर ली थी हमने मंदिर जाने की और अब पता नहीं क्या होगा, तो सुबह ही पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड नाइट।